बारुण ब्लॉक के सभागार में प्रखंड स्तरीय BDC की बैठक हुआ संपन्न। बारुण बुधवार को बारुण ब्लॉक के सभागार में प्रखंड स्तरीय BDC की बैठक ब्लॉक प्रमुख धनिक लाल मंडल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मुख्य रूप से उप प्रमुख प्रभावती देवी, BPRO विकास कुमार मौजूद थे। बैठक की शुरुआत में पूर्व के बैठक की कार्यवाही और समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों के न पहुंचने पर पंचायत सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। वहीं बैठक के दौरान धमनी पंचायत के मुखिया अजय सिंह और कंचनपुर मुखिया बसंत सिंह के द्वारा डीलरों के द्वारा लाभुकों को राशन सही ढंग से न देने की बात कही गई है, जिसमें बताया कि डीलरों के द्वारा अनाज की कटौती की जा रही है। साथ आंगनबाड़ी केंद्रों से जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने में लापरवाही बरती जा रही है। इसमें मुख्यतः कई योजना से संबंधित या कई शिकायतें संबंधित अधिकारियों के द्वारा उन पर की गई है। साथ ही मुख्यतः रूप से यह भी आरोप लगाया गया है कि जो नया ब्लॉक भवन बना है, इसमें पेड़ों की कटाई की गई थी, इसे बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया था। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? और जैसा कि सदन में अभी बैठक हुई है, इस संबंध में जांच की गई, फिर इस लाइन पर जांच के संबंध में जो भी निर्णय आएगा जांच के। एक और मामला आया कि मनरेगा में और साथ ही कई योजनाओं में कमीशन बड़े पैमाने पर लिया जा रहा है, जिससे योजना में किए जाने वाले कार्य प्रभावित हो रहे हैं सर, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। भ्रष्टाचार के मामले में अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई कि सही में ये घटना है। और हम लोगों ने सदन से अभी हमारे प्रमुख साहब ने अनुरोध किया है कि कोई भी व्यक्ति कमीशन के नाम पे अगर आपसे कोई राशि मांगता है तो उसको नहीं दिया जाए। अगर आप गुणवत्तापूर्ण कार्य करते हैं तो उस कार्य का भुगतान हमेशा किया जाएगा और नियमानुसार सही किया जाएगा। भोपतपुर में सर एक ही योजनाओं के दो दो बार MB कराए गए हैं, दो दो बार पैसे की निकासी की गई है सर, ऐसा आरोप पैसे की निकासी की गई है, ऐसा कोई आरोप नहीं है। आरोप है कि पहले MB किया गया था, फिर से दोबारा निरस्त करके दोबारा MB किया गया है। ये हमारे संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी पहले जो रहे हैं, जिन्होंने इस कार्य का निरीक्षण किया है, उन्होंने पुराने वाले MB को निरस्त करते हुए दोबारा मापी पुस्त दर्ज करने का आदेश निर्गत किया था। आज के जो बैठक में जो भी पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा अपनी मांगे की गई है, साथ ही मुख्य रूप से हमेशा के बैठकों में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी अनुपस्थित होते हैं, वैसे लोग उनके अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी, साथ ही इनकी मांगों को लेकर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी सर? जैसा भी आज की बैठक में जो भी प्रोसीडिंग लिया गया है, जितने भी मुद्दे पे हम लोगों की सहमति बनी है, उन सब पे त्वरित गति से कार्रवाई होगी और सभी को संबंधित विभाग को उस पर कार्रवाई करने के लिए हमारे यहाँ से पत्र निर्गत होगा। ठीक है। मान लिया जाए मैडम, मान लिया जाए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट तक मौका दीजिए। आप
नहीं होगा। जब दबाव उनको पड़ा, सबका पेमेंट कर दिया, उसके बाद 4 महीना का पेमेंट 9 दिन के बाद दूसरा एमडी करा के करवाए, यही योजना का सर सोच लीजिए। हमसे 29% टाइम लिया जाता है कि योजना का पूर्ण कर दिया गया, हम दे दीजिए उसकी, हमने दे दिया और फिर उसका एमडी 29 की जगह चेंज करके 9-8 तारीख का एमडी कराया जाता है उसी योजना का। बताइए कंपनी डेवलपर चलाते हैं, इसका भी प्रमाण है मेरे पास। चावल का काम तो है कि चावल का यहाँ तो देखिए बड़ा बहुत व्यवस्था करवा दिए, मेरे लेना खत्म हो गया, क्या विकास होगी? अब मुखिया के बात करते हैं, मुखिया क्या करेगा, समिति क्या करेगा, वार्ड किसके पास आएगा? हम लोग अगर पहुंच नहीं सकता है तो घर उठवा निकाली यहीं पर बैठे हुए दिए मुझे है, जब तक बोलेंगे काफी जगह वहां है लेकिन उनसे मिलिए बहुत बड़ा घोटाला। इसलिए अभी हम सदर के मान से मांग करते हैं जिला अधिकारी को सूचना दिया जाए या भ्रम पता निकालने में गलती सीख हटाया जाए और जितना लोगों को मुखिया समिति से उम्मीद रहता है कि चलिए कराएंगे भाई, मुखिया लोकल अकाउंट